Assalamu alaikum. I am Masarrat Misbah. I've teamed up with Veet Academy. I'm a Depilex. और आज हम बात करेंगे वीट अकेडमी के मॉड्यूल मेकअप बेसिक्स के ऊपर. पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि स्किन की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन, और मेकअप जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है. आज हम आपको बताएंगे कि एक सॉफ्ट डे मेकअप की एप्लीकेशन कैसी होती है, किस तरह से आप अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ एक अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हैं. बट बिफोर यू स्टार्ट एनी ब्यूटी रिजीम, प्लीज़ मेक श्योर कि आप हाइजीन का ख्याल रखें. आपके हाथ धुले हुए होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए. यू कैन यूज़ सैनिटाइज़र ऑल्सो एंड ऑल योर एप्लीकेटर्स शुड बी सैनिटाइज. आपने अपने क्लोथ्स को प्रोटेक्ट किया हुआ हो, साथ ही ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी स्किन जो है वो क्लेंज हुई हुई हो, जो कि हमने आपको रिजीम बताया था हाउ टू डू क्लेंजिंग, आप वो कर सकती हैं. यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन बिफोर यू अप्लाई फाउंडेशन, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप वाटर बेस फाउंडेशन लगाते हैं, मे बी अ मैट फाउंडेशन जिसके नीचे आपको बेस के लिए एज अ प्राइमर या आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, सो दैट यू हैव अ नीट फिनिश एंड शाइनी लुक. सो देन यू अप्लाई आफ्टर द मॉइस्चराइज़र योर बेस और फाउंडेशन. हाउ डू यू सेलेक्ट अ बेस एंड अ फाउंडेशन? You take it as close to your skin tone as possible. वैसे लोगों को बहुत शौक होता है गोरा गोरा होने का, तो देन यू कैन मे बी टेक वन शेड लाइटर, लेकिन इतना ज़्यादा लाइट ना हो कि आपकी नेक का कलर अलग हो, आपके फेस का अलग हो, आपके कानों का अलग हो और आपके हाथों का कलर अलग हो. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट द फाउंडेशन दैट यू आर अप्लाइंग वो बहुत ही क्लोज टू योर स्किन टोन होनी चाहिए. वंस यू हैव अप्लाइड द फाउंडेशन अंडरनीथ द फाउंडेशन प्राइमर या आपका मॉइस्चराइज़र है, अगर आप चाहते हैं तो आप पाउडर भी लगा सकती हैं. जस्ट डस्ट इट ऑफ वेरी सॉफ्टली ताकि कोई ऐसी जगह जो रह जाती है उसको आप कवर कर सकते हैं. बहुत से लोग फाउंडेशन भी नहीं लगाना चाहते, इन दैट केस यू कैन ऑलवेज पुट अ हाई कवरेज हाई डेंसिटी पाउडर ऑल्सो. सो बेस के बाद आप हल्का सा एक कलर जो है वो टच करें, बिकॉज यू डूइंग डे मेकअप और अ नेचुरल लुक. सो अगर आप चाहते हैं तो यू कैन अप्लाई अ वेरी सॉफ्ट मे बी पिंक कलर ऑन द लिट और उसको सिर्फ ब्लेंड कर लीजिए. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू एड एनी कलर देन वी कैन ओनली गो फॉर ब्यूटिफुल लाइनर एंड मस्कारा. नाउ यू विल अप्लाई ब्लश ऑन, थोड़ा सा कलर ऑन द एप्पल ऑफ द चीक्स, और अगर आप चाहते हैं कि एनहेंस हो जाए तो ऑफ कोर्स यू विल अप्लाई ब्लश ऑन और मे बी अ डार्कर टोन टू मेक योर चीक बोन्स हाई. आफ्टर द ब्लश ऑन आप लिप कलर लगाते हैं. लिप कलर्स के लिए भी पिक अप सॉफ्टर कलर, फ्रेशर कलर, क्योंकि हम एक नो लुक मेकअप के हिसाब से कर रहे हैं, नेचुरल लुक कर रहे हैं. एंड देन ऑफ कोर्स इफ़ यू गॉट थिन लिप्स, इफ गॉट वेरी पाउटी लिप्स, तो आप फिर कलर्स की सिलेक्शन अकॉर्डिंगली करते हैं. ऐसी कोई चीज़ जो कि एनहेंस ज़्यादा कर रही हो उसको आप अवॉइड करते हैं. सो बिफोर यू अप्लाई एनी लिप कलर, अगर वो मैट लिपस्टिक है तो प्लीज़ लिप प्राइमर या बाम लगाइए. सो दिस इज़ योर फिनिश्ड मेकअप लुक विद मिनिमल ऑफ मेकअप. इसमें हमने हर चीज़ लगाई लेकिन इतनी कम लगाई और बहुत ही क्लोज टू द स्किन टोन लगाई. व्हेन इट कम्स टू फाउंडेशन, बहुत सॉफ्ट फाउंडेशन, ब्लश ऑन, जस्ट अ हिंट ऑफ कलर देयर, आईलाइनर लगाया. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ थिनर आईलाइनर आल्सो, और मे बी इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ लाइनर जस्ट द मस्कारा. वेरी फ्रेश लिप कलर बिकॉज इट्स समर्स और उसमें और खूबसूरत लगते हैं. यू कैन गो फॉर पीच कलर, यू कैन गो फॉर ब्यूटिफुल पिंक कलर, एंड देन यू हैव अ ब्यूटिफुल नेचुरल लुक. So I hope you enjoyed this module. It was easy, it's beautiful, and she is looking beautiful. Thank you.